हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच यू इन द बुक ऑफ क्लास 5 लेसन 1 का जो टाइटल है, शीर्षक है, हम कुछ करके दिखलाएंगे। लेसन 1 आप लोगों को नहीं पढ़ाई थी मैं कविता, और वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। ये जो है हम कुछ करके दिखलाएंगे, इसके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। प्लीज आप लोग क्लास को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित करें, हमारा काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये शब्दार्थ मैंने लिख दिया है कविता का, इसको आप लोग उतारिएगा जब कविता समझा दूंगी उसके बाद। तो ठीक है, हम अब शुरू करते हैं लेसन 1 कविता, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, हर किसी को एक अंदर से उत्साह होता है ना कि हम जो है अपने देश के लिए कुछ करें, किसी को अपने परिवार के लिए कुछ करें। कुछ करने की जो तमन्ना आपकी होती है उसको इन्होंने जो हमारे कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी कविता के माध्यम से उस चीज को प्रकट किए हैं। है शौक यही, अरमान यही, हर इंसान का क्या है शौक ही। हमारा ये शौक है, हमारा ये अरमान है, हम कुछ करके दिखलाएंगे। हम भी जो है मतलब हम पूरा कुछ भी करने की क्षमता हम में भी है, हम भी कुछ करके दिखलाएंगे। हम निकम्मा नहीं है, मरने वाले दुनिया में हम अमरों के नाम लिखवाएंगे। मतलब जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए, इसके अतिरिक्त जो देश के लिए त्याग करते हैं, है ना, उनका नाम हमारे यहाँ अमृत मतलब बुक में लिखा हुआ होता है। पढ़ते हैं बड़े बड़े ये वैज्ञानिक हो गए जो देश में अपना योगदान किया उसका नाम पढ़ते हैं। तो वो ये कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि दुनिया में जैसे मरने वाले लोग हैं, वो लोग जो अपना नाम अमर किए, उसी तरह मैं हम लोग जो हम लोग हर इंसान जो है जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले हैं सबकी मौत निश्चित है। तो एक तो ऐसे मर गए तो उनको कोई नहीं जाना, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा करके दिखलाए तो मरने के बाद भी लोगों के जुमात पर हमारी नाम, हमारा नाम मौजूद होगा और हमारा नाम क्या होता है, अमर होता है। ये जो हमारा शरीर है ये कभी अमर नहीं हो सकता, हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारा योगदान ये ही अमर होता है। ये कविता के माध्यम से अपना बतला रहे हैं, ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि हम भी जो है कुछ करके दिखलाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, वे लोग जो गरीब हैं भिखारी हैं बहुत नीचे कमजोर तबके के हैं, जिन पर न किसी की छाया है, वो जो गरीब लोग जिन पर किसी की छाया नहीं है, जो बहुत ही दुखित है, दुखियारे हैं, हम उनको गले लगाएंगे। उन दुखियारों को, उन जरूरतमंद लोगों को हम क्या है अपने गले से, अपने हृदय से लगाएंगे, उनके दुख दर्द में शरीक होंगे, उनके जीवन को कैसे खुशहाल करना चाहिए ये चीज हम करेंगे। हम उनको सुखी बनाएंगे, मतलब वो जो दुखियारे हैं गरीब है उनको हम सुखी बनाएंगे, एक सुखपूर्वक जीवन उन्हें देने की हम कोशिश करेंगे। हम लोग क्या है एक नाम निमित्त मात्र है ईश्वर के द्वारा बनाएंगे, हम लोग अपने कर्म के द्वारा ही जाने जाते हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि हम उस तरफ अपना एक कदम बढ़ाएंगे, हम भी कुछ करके दिखलाएंगे उनको किस तरह से सुखी रहना चाहिए, उनके जीवन में अपना योगदान देंगे, उनके जीवन को सुखपूर्वक जीवन बनाने में हम भी अपना योगदान देंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी कहीं नहीं नजर में हैं, मतलब वे लोग जो अंधकार में हैं, जिनको अपनी पोटेंशियल अपनी क्षमता की जानकारी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत में बहुत सारा गुण होता है, लेकिन उनको जो अपने क्षमता का अपने गुण के बारे में तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक उनको सही मार्गदर्शन उनका नहीं किया जाए। तो वे कविता के कवि कह रहे हैं कि वे लोग जो अंधेरे में अपने घर, मतलब अंधेरा मतलब रूप को अंधेरा करके नहीं है, अंधेरे मतलब अपने ज्ञान के रूप, ज्ञान रूपी जो हमारा दीपक होता है वो उसके अंदर बुझा हुआ है, उसको वो नहीं जान पा रहे हैं हमें क्या पोटेंशियल है, हमारी क्या क्षमता है। वैसे लोगों को हम ये बतलाएंगे कि आपको कैसे, आप में क्या पोटेंशियल है, उसकी क्षमता का एहसास दिलाएंगे ताकि वे अपने जीवन में अग्रसर हो
हो सके। जैसे हनुमान जी के बारे में आप लोगों को पता होगा, वो अपनी ताकत को भूल जाते थे, तो जब उनसे कुछ ऐसा काम कराना होता था तो क्या होता था, आगे उनको उनका गुणगान करना पड़ता था, उनको याद दिलाना पड़ता था कि आदमी क्या क्या क्षमता है ना, तब वो उसको जान उनमें उसको याद आता था, वो चीज वो कर पाते थे। ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं, वो जो गरीब तबके के लोग, वो जो अनपढ़ लोग, वो जो जिनको नहीं मालूम है हम क्या कर सकते हैं, हम मेरे में क्या क्षमता है, तो उसको हम जाके सजग करेंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आप जो है इतना ये चीज आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अमीर वर्ग के लोग ही ये चीज कर सकते हैं। हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, मतलब उनके पूरे कोने को, मतलब उनके मस्तक के हर क्षेत्र में आप भी क्या करने की क्षमता है, आप परिश्रम करके क्या हासिल कर सकते हैं, आप उनकी पोटेंशियल का, वो ज्ञान का दीपक हम उनके अंदर जलाएंगे, मतलब वो जागरूकता का दीपक, उनको जागरूक करने के लिए वो उनमें जगाएंगे, वो उनको एहसास दिलाएंगे आप भी क्या करने की क्षमता है। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, मतलब वे लोग जैसे बार बार क्या होता है ना, जैसे तुम लोग भी बार बार जब पढ़ाई करते हो, अच्छे रिजल्ट नहीं लाते हो, थक जाते हो कि हम तो फर्स्ट कर ही नहीं सकते, है ना, फर्स्ट तो हम कर ही नहीं सकते, फर्स्ट तो वही करेगी, ऐसा होता है, या कोई है तुम्हारे क्लास जैसे मुस्तफा है, जब क्लास फाइव में जाएगा तो लोग तो मेरे साक्षी फर्स्ट करेगी या मुस्तफा ही फर्स्ट, हम तो कर ही नहीं सकते, नहीं, परिश्रम करोगे तुम भी सक्सेस होगे, है ना। ये चीज को बार बार एहसास दिलाना कि तुम भी क्या पोटेंशियल है, तुम भी क्या क्षमता है, तुम भी मेहनत करोगे तुम भी उतना आगे बढ़ पाओगे, तो ये चीज बहुत आदमी हार मान जाता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, हमसे होगा ही नहीं, नहीं तुम जो हार मान के थक के बैठे हो उसको एहसास दिलाएंगे कि नहीं आज हमने नंबर कमाया तो नेक्स्ट डे हम मेहनत करके अच्छा नंबर हम ला सकते हैं। हार नहीं मानना चाहिए, जिंदगी में जब आदमी असफल होता है तभी वो आदमी सफल हो पाता है, तो ये एहसास उनको दिलाएंगे कि तुम जो है हार मानकर थक कर ना बैठो, है ना, तुम उम्मीद जो है अपने अंदर जो उम्मीद का दीपक जल रहा है उसको हमेशा उज्ज्वलित रखो, हमेशा जलाता हुआ रखो, ताकि तुम जो है आगे सक्सेस निश्चित पाओगे। हर इंसान जो है परिश्रम करने पर सफल होता है, असफल होने के पीछे ये कारण होता है कि मे भी हमारे परिश्रम में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, और जो सक्सेस हो रहा है वो उसमें वो कमी नहीं रह पा रही है तभी वो सक्सेस हो रहा है, तो इसीलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए, और अपने अंदर जो उम्मीद है उसकी दीपक को कभी, उसके लौ उस दीपक के लौ को कभी बुझाना नहीं चाहिए, उसको इस चीज का एहसास दिलाएंगे तुम जो है इसको नहीं बुझाओ, इसको जलने दो। हम उनके बुझे चेहरे में फिर से उत्साह जगाएंगे, वे लोग जो थके हारे हैं, जो अपने जीवन से हार गए हैं, जो ये समझ लें कि अब हम कितना भी परिश्रम कर ले हम सक्सेस नहीं होंगे, वैसे लोगों को हम ये उम्मीद जगाएंगे, उनमें ये उनके चेहरा पे जो जब क्या होता है सक्सेस नहीं होते हैं तब क्या होता है हमारे चेहरे में उदासी आ जाती है, कहते हैं ना चेहरा जो है हमारा दर्पण है, दर्पण क्या है हमारा चेहरा, जिसमें हमारे अंदर के तरह तरह के जो भाव आते हैं हमारे अंदर वो हमारे चेहरे के द्वारा सामने वाला आदमी पढ़ लेता है या प्रकट होता है। अगर तुम बहुत खुश हो तुम्हारा चेहरा स्माइलिंग करता रहेगा, लोग जान जाने रहेगा तो बहुत खुश है, और कोई दुखिया रहा उसका चेहरा का तनाव उदास चेहरा, चेहरे की जो उदासी है वो बतला देता है कि ये बहुत ज्यादा दुखित है, या कोई डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेस्ड या उसी को हम लोग जला रहे हैं ना, उसी में जागरूकता पैदा कर रहे हैं ना, जो हार जाते हैं अपने काम से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, वैसे लोगों को हम ये समझाएंगे, उसमें ये उस दीपक जलाएंगे, जागरूकता को दीपक जलाएंगे, उम्मीद की दीपक जलाएंगे कि तुम जो वो कर सकते हो, तुम में अपनी उम्मीद की दीपक को जलाओ, तुम जला कर ही रखो, और मेहनत करो और परिश्रम करो, उसको बार बार परिश्रम करने के लिए हम कहेंगे,
जितना तुम किए हो उससे ज्यादा परिश्रम करो और तुम निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो पाओगे। ये भी एक प्रकार से जो किसी को इंकरेज करते हैं ना, वो भी एक प्रकार से उस इंसान का उसके प्रति योगदान होता है। अगर हम तुमको इंकरेज करते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो पढ़ने में, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और पढ़ो और मेहनत करो, तो हम क्या है ना तुमको इंकरेज कर रहे हैं, ये हमारा योगदान है। और अगर तुम मेरी बात को फॉलो करते हो तो तुम इतने सक्सेस निश्चित हो जाओगे, है ना। तो ये जो है बार बार जब हम जान जाते हैं कि नहीं इसमें ये पोटेंशियल, उसको बार बार किसी हताश इंसान को बार बार उसको समझाते हैं कि नहीं आप हताश नहीं होइए, आप और परिश्रम कीजिए, है ना। ये चीज जो ये कहना, किसी को ये विचार देना, ये भी एक योगदान होता है। ये एक कवि कह रहे हैं कि उस तरह के इंसान जो जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, जो थके हारे हैं, जो जीवन से हार चुके हैं, उनमें उम्मीद का लौ हम जगाएंगे, ये काम हम करेंगे और हम भी कुछ करके दिखलाएंगे, मतलब हम भी जो है कुछ करके दिखलाना चाहते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो ढूंढके पक्के सच्चे हैं। ये कभी कह रहे हैं उन थके हारे लोगों को कि हम जो है उन वीरों के मतलब बच्चे हैं जो अपने ढूंढ के पक्के हैं। जैसे हमारा देश कभी प्रतंत्र था, यहाँ अंग्रेजों का शासन था, हम लोगों ने बहुत उससे फाइट करके, हमारे पूर्वज फाइट किए बहुत ज्यादा, बिना हथियार होते हुए भी अपनी बुद्धिमता से, अपने परिश्रम से, अपने उम्मीद के लौ के बल पर बार बार उनसे फाइट करते हुए अंतिम में हमारे देश को आजाद कराए, है ना। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो हमारे समय के लीडर हुआ करते थे, इन्होंने अब उम्मीद के लौ को बरकरार रखा। बार बार अंग्रेजों के द्वारा परास्त होने के बावजूद अपनी उम्मीद के लौ को जला के रखा, तो हमारा देश जो है स्वतंत्र हो पाया। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि हमारा जो है पूर्वज वो ऐसा है जो बार बार हारने के बाद भी उठा और अपनी उम्मीद के लौ को बरकरार रखा, तभी वो सफलता हासिल कर पाया। हम उस तरह के पूर्वजों के हम संतान हैं, तो हम कैसे हार सकते हैं, हमारी उम्मीद की लौ कैसे घुस सकती है। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे, मतलब वो जो वीर हमारे पूर्वज हैं उनका मान, उनका इज्जत, उनका सम्मान हम दुनिया में बढ़ाएंगे, उम्मीद का लौ अपने अंदर जगा के रखेंगे और सफलता प्राप्त करते ही उनका जो इज्जत होगा वो और बढ़ेगा और जग में, संसार में जो है एक अच्छा नाम कमाए, मतलब एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे, एक मान सम्मान वाला स्थान प्राप्त करेंगे, लोग हमको जानेंगे, हमारे कामों से जानेंगे, है ना, हमारे द्वारा किए हुए योगदान से हमको जानेंगे, इस तरह से लोग हमको जानेंगे। और ये बार बार क्या कर रहे हैं, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मतलब हम भी जो है हम निकम्मा नहीं है, हम भी थके हारे इंसान नहीं है, हम में भी उम्मीद की लौ बरकरार है और हम जो है इस जग को, संसार को अपने परिश्रम के द्वारा कुछ हासिल कर, कुछ योगदान करेंगे और कुछ करके दिखलाएंगे कि हम में भी वो क्षमता है। तो ये कविता जो है आप लोग अच्छी तरह से हमारे ख्याल से समझ गए होंगे। ये लेसन 1 है, क्लास 5 का है, ये पूरा शब्दार्थ है, है ना। शब्दार्थ को आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लोगे, जब स्कूल आप लोगों का रीओपन होगा तो डेट हम चेक करेंगे, इस डेट को हमने पढ़ाया था, आपने मेंशन किया है या नहीं किया है। जिसके पास स्पेयर कॉपी नहीं है वो जाएंगे दुकान पे, बुक स्टोर खुला रहता है, कॉपी लेंगे और निश्चित तौर पर हम आप लोगों से, हम भी उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है हमारा लेक्चर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, हमारे द्वारा लिखा गया बोर्ड पर को उतारेंगे कॉपी में और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित कीजिए, ताकि हम लोग समझ सके कि कितने स्टूडेंट जो है कनेक्टेड हो पाए, है ना। ये हम काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, ओके। तो उतार दीजिए सरदार, ठीक है, देन हम इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह आप लोगों को लिखाएंगे। पोएम जो है निश्चित याद कीजिएगा, लेसन 1 का पोएम है, इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, स्कूल खुलने पर वो भी सुनेंगे जो आप याद किए हैं एक सप्ताह पर, निश्चित जितना क्लास लिए हैं उसका आप लोग रिविजन करेंगे और पूरा चीज सुनेंगे कि आप लोग किस तरह से
प्रेशर कर रहे हैं। ओके,